हे गाइस, आज मैं माउनो AU-804 और बोया BY-1 का फुल कंपैरिजन देने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सा माइक्रोफोन बेस्ट होने वाला है, इन दोनों की ऑडियो क्वालिटी कैसी होने वाली है, इसके बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले तो मैं आपको दोनों ही माइक्रोफोन के जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। माउनो एक पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन है, सिंगर और पॉडकास्टर इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर भी इसे यूज़ करते हैं बहुत सारे। ये माइक्रोफोन कार्डियड पोलर पैटर्न में आवाज़ रिकॉर्ड करता है, मतलब ऐसे हार्ट शेप में इतने दायरे में ही आवाज़ ये रिकॉर्ड करता है और बाकी की नहीं करता है। पीछे से भी ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ आगे से करता है। ये एक USB कंडेंसर माइक्रोफोन है जिसे आप लैपटॉप से, PC से या फिर मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको OTG केबल का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मेरे लैपटॉप को इसे कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लैपटॉप पे मैं इसके आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ आपको, आप इसे DSLR से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको DSLR के साथ ऑडियो और वीडियो अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। माउनो का माइक्रोफोन पोर्टेबल नहीं है, आप इसे कहीं पर भी कैरी नहीं कर सकते हैं, आपको इसे रूम में ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बोया के साथ ऐसा नहीं है, बोया को आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है जो चारों ओर से आवाज़ रिकॉर्ड करता है। इसकी केबल भी काफ़ी लंबी है और ये सस्ता भी है, इसकी प्राइस अराउंड 670 रुपये है। ये एक बजट माइक्रोफोन है जो बहुत सारे यूट्यूबर अभी भी यूज़ करते हैं और ऑलमोस्ट 10 में से 6 यूट्यूबर इसे यूज़ करके छोड़ दिए हैं। इसे लेवलियर या फिर लेपल माइक्रोफोन भी कहते हैं। यहाँ पर ये 3.5 mm जैक के साथ आता है, आप इसे PC, लैपटॉप, DSLR सारे ही चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ आपको ऑडियो और वीडियो अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की प्राइस की बात करूँ तो ये 670 रुपये मैंने इसे लिया है, लेकिन इसकी प्राइस 700-800 तक जाती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। इस माइक्रोफोन को मैंने 3300 रुपये में लिया है, इसकी प्राइस 3000 से 4000 तक वैरी होती रहती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैं आपको दोनों ही माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल्स देता हूँ और बाद में आप तय करना कि इन दोनों में से आपको कौन सा माइक्रोफोन लेना है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो माउनो AU-804 से आ रही है। ये एक कार्डियड पोलर वाला माइक्रोफोन है जो ऐसे शेप में आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। ऐसे करूँगा तो कैसी आवाज़ आ रही है आपको पता चलेगा, और ऐसे बोलूँगा तो कैसी आवाज़ आएंगी ये भी आपको पता चल जाएगा। पीछे से आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करता है ये माइक्रोफोन। इसकी आवाज़ की क्वालिटी डिस्टेंस पर भी बहुत मैटर करती है, जितना पीछे जाओगे उतना आवाज़ कम होते जाएगा और जितना मैं आगे आऊँगा उतना उसकी आवाज़ की क्वालिटी बढ़ती जाएंगी और आवाज़ की पिच भी बढ़ती जाएंगी। मैंने इस माइक्रोफोन का फुल रिव्यू दिया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसके नॉइज़ वाले सैंपल भी दिए हैं, नॉइजी कंडीशन में ये कैसे काम करता है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अब मैं आपको बोया के माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल देता हूँ और बाद में देखते हैं कि इसका आवाज़ कैसे आता है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ पर मैंने बोया BY-M1 को मेरे फ़ोन से अटैच करके रखा है। ये डायरेक्ट फ़ोन से मैं ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर आप ऑडियो की क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे रूम का फ़ैन भी चालू है और बाजू वाले रूम का भी फ़ैन चालू है, तो नॉइज़ थोड़ा आ रहा होगा। इस माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी रूम के एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करती है। शांत रूम होगी तो अच्छी क्वालिटी आएगी और नॉइजी रूम होगी तो खराब क्वालिटी आएगी। अभी आपने दोनों ही माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी देख ली है, लेकिन इसके नॉइज़ वाले सैंपल देखने हैं तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। मैंने इस पर अलग से रिव्यू दिया है, अलग से नॉइज़ सैंपल दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इन दोनों में से आपको कौन सा माइक लेना चाहिए, तो अगर आप पॉडकास्ट या फिर सिंगिंग करना चाहते हैं तो ये माइक सबसे बेस्ट है। इसके साथ एक पॉफ फिल्टर भी आता है जो काफ़ी हद तक पफ वाले साउंड रिड्यूस कर लेता है। लेकिन आपका बजट कम है और आप शुरुआत करना चाहते हैं यूट्यूब से, तो ये माइक्रोफोन भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सारे ही यूट्यूबर ने इसी माइक्रोफोन से शुरुआत की थी। मैंने भी इसे 4 महीने यूज़ किया था, अभी मैं इस माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप शुरुआत से अच्छी क्वालिटी में वीडियो निकालना चाहते हैं तो मैं इसी माइक्रोफोन को रेकमेंड करता हूँ। लेकिन एक बात बता दो आपको, इस माइक्रोफोन के साथ, बोया के माइक्रोफोन के साथ आपको रूम का एनवायरनमेंट एकदम साइलेंट रखना पड़ेगा, थोड़ी सी भी नॉइज़ रहेगी तो ये माइक कैप्चर कर लेगा। लेकिन माउनो के माइक्रोफोन के साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा साउंड वगैरह रहेगा तो ये कैप्चर नहीं करता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेता है। तो गाइज, इन दोनों माइक्रोफोन में से आपको कौन सा माइक्रोफोन सबसे सही लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपका इन दोनों माइक्रोफोन के बारे में कुछ सवाल है तो वो भी आप नीचे पूछ सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।